अटारी वाघा बॉर्डर पर पाकिस्तान के आजादी दिवस के मौके पर भारत की ओर से मिठाइयां दी गईं। वाघा बॉर्डर पर सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ की ओर से पाकिस्तानी रेंजर्स को मिठाइयां और शुभकामनाएं दी गईं। बीएसएफ के कमांडेंट सुदीप और अन्य अधिकारियों ने पाकिस्तानी रेंजर्स के जवानों और अधिकारियों को मिठाइयां भेंट की। पंजाब से लगते अन्य सीमा पोस्टों पर भी पाकिस्तानी रेंजर्स को मिठाइयां भेंट की गईं। बता दें कि विभिन्न अवसरों पर दोनों देशों के जवान सीमा पर एक दूसरे को मिठाइयां भेंट करते हैं। मंगलवार सुबह पाकिस्तान के आजादी दिवस के मौके पर अटारी वाघा बॉर्डर पर इसी परंपरा को निभाया गया। बीएसएफ के कमांडेंट सुदीप और अन्य अधिकारियों ने पाकिस्तानी रेंजर्स के जवानों और अधिकारियों को बधाई दी। उन्होंने दोनों देशों के बीच संबंध बेहतर होने की कामना की और इसके बाद मिठाइयों के डिब्बे भेंट किए। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव और अशांति के कारण पिछले कुछ मौकों पर मिठाइयों का आदान प्रदान नहीं हुआ। सीमा पर पाकिस्तानी जवानों द्वारा सीज फायर का उल्लंघन किए जाने के कारण भारत की ओर से ईद पर भी पाकिस्तानी रेंजर्स को मिठाइयां नहीं दी गई थी और न ही उनकी मिठाई स्वीकार की थी। इससे पूर्व भी पिछले कई अवसरों पर इस परंपरा को नहीं निभाया गया। अब 15 अगस्त को भारत के स्वतंत्रता दिवस पर भी पाकिस्तान की ओर से भारतीय जवानों को मिठाइयां भेंट किए जाने की उम्मीद है। आज 14 अगस्त पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे पे पाकिस्तान रेंजर्स ने बीएसएफ को मिठाई दी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो भारत तक को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए।